हेलो दोस्तों, मैं अरविंद वोरा, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में कि वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं एंड इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको वाल्व का डेफिनेशन बता दें कि वाल्व क्या होता है। एक डिवाइस होता है, वाल्व एक डिवाइस है जिसका यूज किसी भी पाइपलाइन या प्रोसेस इक्विपमेंट में किसी फ्लूड के फ्लो को या तो कंट्रोल करने के लिए या तो स्टॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में कि वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 10 टाइप्स के वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट नंबर पे है गेट वाल्व एंड सेकेंड नंबर पे ग्लोब वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड नंबर पे बाल वाल्व एंड फोर्थ नंबर पे प्लग वाल्व एंड फिफ्थ नंबर पे डायफ्राम वाल्व एंड सिक्स नंबर पे बात करेंगे नीडल वाल्व के बारे में और उसके बाद बात करेंगे बटरफ्लाई वाल्व के बारे में एंड उसके बाद चेक वाल्व एंड नॉन रिटर्निंग वाल्व एंड उसके बारे में फ्लश बॉटम वाल्व एंड 10 नंबर पे जो आता है हमारा वाल्व वो है कंट्रोल वाल्व। ठीक है, इन 10 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, 10 टाइप्स के वाल्व के बारे में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट नंबर पे हम गेट वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा गेट वाल्व के को, ये गेट वाल्व का फिगर है, इसको इसका जो एक्चुअल फिगर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जितने भी टाइप्स के हम वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे उसका एक्चुअल फिगर आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा, तो उसे आप देख के रिलेट कर सकते हैं जिससे समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब गेट वाल्व का देखिएगा, इसका पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसमें देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में देखिए ये क्या है, हम इसे पाइपलाइन आप समझ लीजिए, जो ब्लैक दिखाए पाइपलाइन है और ये जो इसकी बॉडी है। ठीक है, ये इसकी बॉडी है और इसमें देखिएगा गेट लगा रहता है, जो रेड कलर से हम शो किए हैं ये गेट रहता है जो कि एक रॉड के थ्रू क्या होता है, एक हैंडल व्हील से लगा रहता है, इस रॉड को स्टेम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक पैकिंग ग्लैंड लगा रहता है। ठीक है, ये पैकिंग ग्लैंड लगभग सभी टाइप के वाल्व में लगा रहता है लेकिन हम सब में शो नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये पैकिंग ग्लैंड लगा रहता है। अब इसका वर्किंग देखिए कैसे होता है, ये जो हैंडल व्हील होता है जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, कसता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो गेट देख रहे हैं वो क्या होता है, नीचे की ओर आता है। ठीक है, नीचे की ओर आता है जिससे क्या होता है, ये वाल क्लोज होता है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने से ये वाल क्लोज होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, ये जो गेट है वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, ये वाल ओपन होता है। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ओपन होगा, क्लॉकवाइज में क्लोज होगा। ठीक है, एंड ये जो पैकिंग ग्लैंड होती है ये काम करता है लीकेज को अवॉइड करता है। जैसे मान लीजिए ये रॉड लगी हुई, जो रॉड है इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस रहेगी, थोड़ी सी गैपिंग रहेगी, क्योंकि रोटेट करने के लिए थोड़ी तो गैपिंग चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन में जो भी फ्लूड का प्रेशर होगा उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ से लीकेज हो सकता है, इसलिए इसमें ग्लैंड का यूज करते हैं, जो कि ग्लैंड रहता है तो इससे लीकेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका काम रहता है ग्लैंड का। अब ये तो रही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका जो यूज होता है वो प्रेशर ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है किसी भी लाइन में, प्रेशर ड्रॉप को, एंड जो इसका यूज होता है वो किसी भी फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं फ्लूड के फ्लो को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी पाइपलाइन है जिसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं, उस लिक्विड के फ्लो को स्टॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के वाल्व को आप जनरली देख सकते हैं फायर हाइड्रेंट की लाइन में। जैसे आप इंडस्ट्री में देखेंगे, इंडस्ट्री के जो चारों साइड देखेंगे रेड कलर की पानी की लाइन होती है, मतलब वाटर की, उसको फायर हाइड्रेंट लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें आप गेट वाल्व आसानी से देख सकते हैं, उसमें लगभग हर एक जगह पे लगा ही रहता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं फायर हाइड्रेंट लाइन का यूज, मतलब गेट वाल्व रहता है। बाकी और भी जगहों पे होता है लेकिन वो आपको इजिली आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको फायर हाइड्रेंट लाइन का एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो एक रहा गेट वाल्व, अब बात करते हैं ग्लोब वाल्व के बारे में। ठीक है, अब जो ये ग्लोब वाल्व होता है, ग्लोब वाल्व में देखिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें भी ये क्या रहता है, इसमें एक प्लग रहता है, या तो इसको डिस्क बोल सकते हैं, ये भी हैंडल व्हील्स के थ्रू कनेक्ट रहता है। इसमें क्या रहता है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाने पे बंद होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ओपन होता है। ठीक है, अब इसका जो यूज करते हैं वो किसी भी फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें जो फ्लूड का जो फ्लो होता है या तो इसमें प्रेशर जो होता है, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, मतलब इसमें तो प्रेशर ड्रॉप मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लो होता है, जो फ्लूड का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए ऐसी रहती है कि जो फ्लो हो रहा है फ्लूड
उस फ्लूड का देखिए फ्लो जैसे इधर आया फिर इधर से घूम के इधर जाएगा, तो क्या हुआ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज होने से क्या होता है उस फ्लो में, मतलब उसके फ्लो में, मतलब फ्लूड के फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है जिससे उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो इस टाइप के वाल्व में प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर इस टाइप का आप यूज़ देखें, मतलब कहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो जैसे देखिएगा जो रिएक्टर का जो हेडर होता है उसके स्टीम लाइन में देखेंगे, जो स्टीम दी जाती है उसमें जनरली ग्लोब वाल्व का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक्चुअल फिगर आपको फिगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बाल वाल के बारे में। ठीक है, बाल वाल, अब ये बाल वाल जो होता है इसकी कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इसके अंदर एक बाल होता है, मतलब नॉर्मली गेंद होता है, गेंद को जैसे गेंद लें और उसको दोनों साइड से होल कर दें। ठीक है, उसको एक साइड से होल कर दें तो दोनों साइड से वो कटा हुआ रहेगा। ठीक है, वैसे ही इसमें बाल रहता है, आप स्क्रीन पर फोटो देखिएगा उसमें दिखेगा वैसा होता है। ठीक है, उस जिससे में एक रॉड रहता है, रॉड से क्या होता है एक हैंडल कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब ये इसका काम कैसे ये करता है, जैसे मान लीजिए जो हैंडल है वो हैंडल जब वाल्व के 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस कंडीशन में एक वाल्व जो होता है क्लोज कंडीशन में होता है। 90 डिग्री मतलब देखिएगा, जैसे मान लीजिए वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है, अब इस वाल्व से जो हैंडल यह है, हैंडल अगर ऐसे एंगल बना रहा है, मतलब ऐसे एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस कंडीशन में जो वाल्व होता है वो क्लोज कंडीशन में होता है, मतलब लिक्विड को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, और जब ये जो हैंडल होता है इसके पैरेलल हो जाता है, ठीक है, इसके पैरेलल हो जाता है, उस कंडीशन में ये वाल्व खुल जाता है, मतलब जो इसके होल होते हैं वाल्व में वो इसके पैरेलल हो जाते हैं, जिससे लिक्विड आसानी से फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसको हम जनरली ऑन ऑफ वाल्व बोलते हैं, मतलब जो ये बाल वाल्व होता है एंड प्लग वाल्व जो होता है उसको हम ऑन ऑफ वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का जो वाल्व होता है, इस टाइप के वाल्व का यूज सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्री में किया जाता है, मतलब जितने भी बैच जहां कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं चलते हैं, मतलब बैच प्रोसेस में लगभग सबसे ज्यादा बाल वाल्व का यूज किया ही जाता है। ठीक है, अब देखेंगे तो मोर देन 90% बाल वाल्व का यूज मिलेगा आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, इन सब में मिल जाएगा आपको बाल वाल्व। ठीक है, एंड अब इसके बाद करते हैं प्लग वाल्व के बारे में। प्लग वाल्व जो होता है उसमें देखिए जो वाल्व है यहाँ पे लगा है, बाल लगा हुआ है, बाल की जगह पे वहाँ प्लग लगा रहता है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई गेंद टाइप में लगा, गेंद रहता है कटा हुआ, उसमें एक प्लग रहता है, जैसे मान लीजिए पेन है, इसको पेन को हम कट कर दें, इतना छोटा कर दें और इसमें से एक होल कर दें। ठीक है, उसका फिगर आपको दिख रहा होगा, उससे रिलेट कीजिएगा, सेम वैसा ही रहता है, बाकी जो भी वर्किंग होती है बाल वाल्व की तरह ही होता है। ठीक है, और इसका भी यूज ऐसे ही, मतलब ऑन ऑफ की वाल के रूप में ही इसका यूज किया जाता है, प्लग वाल्व का यूज। ठीक है, अब प्लग वाल्व समझ गए। अब इसके बाद बात करते हैं डायफ्राम वाल्व के बारे में। ठीक है, डायफ्राम वाल्व, अब इस डायफ्राम वाल्व का पहले कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन इसका देखिए कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए एक पाइपलाइन है जिसमें एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व में क्या होता है एक डायफ्राम लगा रहता है, इस जो हम ब्लू कलर से शो किए हैं, ये डायफ्राम है। ये जो डायफ्राम होता है फ्लेक्सिबल होता है, जो कि रबड़ का बना हुआ होता है। ठीक है, रबड़ का बना हुआ होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके ऊपर क्या रहता है एक कंप्रेसर रहता है, एक डिस्क टाइप रहता है जो कि कंप्रेस करता है इस डायफ्राम को। तो जब ये क्या करता है, इसमें भी एक देखिए ऊपर एक रॉड के थ्रू एक हैंडल कनेक्ट रहता है, हैंड व्हील कनेक्ट रहता है, जिसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसे प्रेस करता है। ठीक है, जब ये प्रेस करेगा तो यहाँ पे जब ये आके सट जाएगा, यहाँ से ऐसे सट जाएगा, तो उस कंडीशन में वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम है ऊपर की ओर उठेगा और वाल्व जो होगा ओपन कंडीशन में होगा। अभी जो दिखाएं हम ओपन कंडीशन है, इसमें फ्लूइड फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका जो यूज हम करते हैं डायफ्राम वाल का जो यूज करते हैं, वो जैसे कोई विस्कस मटेरियल होता है, विस्कस लिक्विड होते हैं, या तो जैसे स्लरी वगैरह होती हैं, उनके लिए इसका यूज करते हैं। जो हाईली करोजिव मटेरियल होते हैं या हाईली एसिडिक बोल लें, उनके लिए इसका यूज करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डायफ्राम लगा रहता है, ये डायफ्राम रबड़ का होता है, ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसका हाई टेम्परेचर कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, बाकी करोजिव मटेरियल के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बटरफ्लाई वाल्व के बारे में। ठीक है, बटरफ्लाई वाल्व देखिएगा, बटरफ्लाई वाल्व का यूज जो करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की जो पाइपलाइन होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये बाल वाल की तरह ही रहता है, इसमें एक बॉल लगा रहता है, लेकिन इसमें बॉल के जगह पे क्या रहता है, एक डिस्क रहता है, एक फ्लैट डिस्क रहता है। इमेज आपको दिख रहा है, देखिएगा एक फ्लैट डिस्क रहता है, इसे भी जैसे ओपन करेंगे 90 डिग्री पे भी बंद रहता है। ठीक है,
लेकिन इसमें ये देखो हैंडल आपको दिखा रहे हैं, हैंडल की जगह पे कहीं कहीं हैंडविल भी लगा रहता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हैंडविल कहाँ लगाते हैं, जैसे जहाँ पतली पाइपलाइन होती है मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है वहाँ पे हैंडल लगा देते हैं, लेकिन बहुत मोटी मोटी जो पाइपलाइन होती है वहाँ पे क्या करते हैं इसके जगह पे हैंडविल का यूज करते हैं। ठीक है, हैंडविल लगा रहता है वहाँ पे, बाकी वर्किंग तो इसका वैसे ही रहता है। और लार्ज साइज के पाइपलाइन में इसका यूज करते हैं, और वर्किंग कैसा रहता है, मतलब ये जो डिस्क रहता है ये जब इसके अपोजिट मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा मतलब उसको पूरा ढक देता है, मान लीजिए जो लाइन है उसको पूरा ढक देगा, वो बंद हो जाता है। ठीक है, बाकी जब ओपन कंडीशन में रहता है तो ऐसे, ये ओपन कंडीशन ही है इसकी। ठीक है, ऐसे लिक्विड को फ्लो कराता है। ठीक, ये तो नहीं बटरफ्लाई वालों के बारे में, इसका इमेज देख रहा होगा उससे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे फ्लश बॉटम वाल्व के बारे में। फ्लश बॉटम वाल्व क्या होता है, जो फ्लश बॉटम वाल्व होता है इसको आप देखेंगे केमिकल इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री में जो बैच रिएक्टर्स होते हैं, यानी कि जो ग्लास लाइन रिएक्टर होती है, मेनली ग्लास लाइन रिएक्टर में इसका यूज करते हैं। जो ग्लास लाइन रिएक्टर होता है, एसएस में भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन ग्लास लाइन रिएक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ग्लास लाइन रिएक्टर के बॉटम में देखेंगे तो इसी टाइप का वाल्व यूज किया जाता है, उसको फ्लश बॉटम वाल्व बोलते हैं। इसमें देखिएगा, इस वाल्व में एक चीज उल्टा होता है इन सबों की अपेक्षा। इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे बंद हो रहा था, लेकिन इसको क्लॉकवाइज घुमाने पे ये ओपन होता है। ठीक है, जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, ये जो देखिए रॉड के थ्रू क्या होता है, जो डिस्क है ऊपर, ये डिस्क है, ये क्या होती है ऊपर की ओर उठती है। जैसे ये ऊपर की ओर उठती है, जब ये ऊपर उठती है, मान लीजिए ये रिएक्टर का हम बॉटम ले लें, तो क्या होगा जब ये ऊपर उठता है तो साइड साइड से लिक्विड क्या होता है इसमें भर जाता है, और यहाँ से होते हुए इस पाइपलाइन से डिलीवर मतलब जहाँ पे भी ले जाना रहता है वहाँ से जाता है। तो इस तरह ये वर्क करता है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ओपन होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ये डिस्क क्या होती है इधर आके बैठ जाती है, और जिससे क्या होता है बॉटम बंद हो जाता है। ठीक, यानी कि वाल्व बंद हो जाता है। ठीक, ये तो रहा फ्लश बॉटम वाल्व का। ठीक, कैसे रहता है, कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नीडिल वाल्व के बारे में। नीडिल वाल्व क्या होता है, तो जो नीडिल वाल्व होता है वो क्या होता है, ग्लोब वाल का ही मॉडिफिकेशन है, ग्लोब वाल का ही मॉडिफिकेशन है। ग्लोब वाल जैसे रहता है सेम ऐसा ही होता है, लेकिन वो छोटे पैमाने पे थोड़ा होता है, और उसका जो यूज करते हैं कॉमनली उसका जो यूज होता है वो एक्यूरेट फ्लो के लिए यूज करते हैं। इसका इसके इसका कभी बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है कि नीडिल वाल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ऑप्शन में रहता है कि एक्यूरेट फ्लो, तो एक्यूरेट फ्लो आपका सही होता है, मतलब एक्यूरेट फ्लो के लिए नीडिल वाल का यूज किया जाता है, जो कि ग्लोब वाल का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब ग्लोब वाल के ही तरह रहता है। आपको इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिएगा जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक, ग्लोब वाल हो गया। अब बात करते हैं एनआरबी के बारे में, नॉन रिटर्निंग वाल्व। उसका इमेज आपको इसमें नहीं बना, मतलब फिगर नहीं बनाया है, स्क्रीन पे आप देखिएगा उससे आपको क्लियर होगा नॉन रिटर्निंग वाल्व। अब नॉन रिटर्निंग वाल्व क्या होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व का जो यूज होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए करते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में फ्लो के लिए। सपोज कर लीजिए कोई पाइपलाइन है, ये मान लीजिए कोई पाइपलाइन है, यहाँ से कोई चीज़ हम फ्लो करा रहे हैं और यहाँ पे हम एनआरबी लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एनआरबी लगा दिए हैं, कोई चीज़ क्या होगा अगर फ्लो होकर इस साइड चला आया, उसके बाद किसी भी कारणवश इधर मान लीजिए कोई प्रेशर बढ़ गया इस साइड और ये बैक आना चाहे तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एनआरबी लगा है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक साइड ये जो चीज को डिलीवर कर दिया उसको वापस नहीं आने देगा। इसको आप देखना चाहे तो मान लीजिए जो गांव में हैंडपंप होते हैं, हैंडपंप जो होते हैं, देखिएगा हैंडपंप के जो नीचे चेक वाल्व होता है, चेक वाल्व लगा रहता है, वो एक प्रकार का एनआरबी ही होता है। बहुत जगहों पे पंप में यूज किया जाता है, पंप के सक्शन में यूज किया जाता है, ताकि बैक फ्लो ना मारे। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं एनआरबी का यूज करते हैं। बहुत जगहों पर क्या करते हैं, रिएक्टर का जो नाइट्रोजन लाइन उसमें जोड़ी जाती है, नाइट्रोजन लाइन में जोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं पे जो रिएक्टर का कंडेंसेट जो आता है, मतलब ट्रैप बाईपास जो होता है नीचे जिस लाइन में जुड़ा रहता है वहाँ पे जोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। बस इसमें इससे क्वेश्चन जो पूछता है वो ये रहता है कि एनआरबी का यूज कहाँ पे करते हैं, किस टाइप के फ्लो के लिए करते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए एनआरबी का यूज करते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व या चेक वाल्व। ठीक है, इनका यूज करते हैं नॉन यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए। ठीक, मतलब एक डायरेक्शनल फ्लो के लिए, किसी एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराता है। ठीक, अब बात करते हैं कंट्रोल वाल्व के बारे में। ठीक है, कंट्रोल वाल्व क्या होता है, तो कंट्रोल वाल्व जो होता है ये जितनी भी डीसीएस प्लांट हैं, जैसे जो ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन इस समय हो रहा है, मतलब जहाँ पे डीसीएस यूज हो रहा है जो, तो वहाँ पे कंट्रोल वाल्व का यूज किया जाता है। कंट्रोल वाल्व क्या होता है कि किसी भी फ्लो को
फ्लूड के फ्लो को कंट्रोल करता है किसके थ्रू, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, मतलब इसे मैनुअली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए इसको हम हैंडल को इधर घुमाते हैं या हैंडविल घुमा रहे हैं तो मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन उसे मैनुअली करने की जरूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज एंड ओपन, या तो जितना हमें ओपन करना है जितना क्लोज करना है उसे हम सेट पॉइंट देते हैं उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है, मतलब मैनुअली नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक करता है। ऑटोमेटिकली किसके थ्रू करता है, या तो इलेक्ट्रिकली करेगा, मतलब उसमें मोटर वगैरह, उसका इमेज दिख रहा होगा फोटो स्क्रीन पर उससे देखिएगा, उसमें क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रिकली करता है, इलेक्ट्रिकली मतलब उसमें मोटर कनेक्ट किए जाते हैं जिससे वो क्या करता है वाल्व ओपन एंड क्लोज या हाफ ओपन, जितना परसेंट हमें ओपन करना रहता है कंप्यूटर में उसको डाटा देते हैं उससे वो ओपन उतना ओपन होता है, या तो वो पैनोमेटिकली मतलब एयर कंप्रेसर के थ्रू, मतलब एयर के थ्रू वो कंट्रोल करता है, जैसे एयर कंप्रेसर होता है जिससे एयर के प्रेशर के थ्रू वो वाल्व कंट्रोल होता है, ठीक है, मतलब वो वाल्व ऑपरेट होता है एयर के प्रेशर से, ठीक है। उसका यूज जैसे कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वाल्व है जो आपको हम बताएं ना, जो DCS इंडस्ट्रीज होती हैं, DCS जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे कंट्रोल वाल्व हर एक वाल्व में लगाया जाता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए किसी भी वाल्व को ओपन करने के लिए क्लोज करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टर है, अब इस रिएक्टर में के बॉटम, इसके मान लीजिए जैकेट में कूलिंग की लाइन है, अब इसमें कूलिंग हमें देना, मान लीजिए इसमें इस रिएक्टर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें कूलिंग देना रहता है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक हम लगा दिए कंट्रोल वाल्व, ठीक है, एक कंट्रोल वाल्व लगा दिया, अब कंट्रोल वाल्व का हम सेट वर्ड क्या चेक दिए, वहाँ पे कंप्यूटर होता है मतलब मॉनिटर होता है, मॉनिटर में सेट पॉइंट देते हैं, सेट पॉइंट यहाँ पे दे दिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आएगा इस रिएक्टर का उस कंडीशन में वाल्व ओपन होगा, मतलब कूलिंग चालू होगा, और जब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा उस कंडीशन में वाल्व क्या होगा क्लोज हो जाएगा, यानी कि कूलिंग बंद हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है इसे कमांड देता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाल्व ओपन हो जाता है और कूलिंग चालू हो जाता है, जब 80 आता है तो ये क्या होता है क्लोज हो जाता है, ऐसे वर्क करता है, ठीक है। किसी वीडियो में कंट्रोल वाले के बारे में डिस्कस करेंगे डीपली में कैसे वर्क कर, उसके भी कई टाइप्स होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मतलब ओवरव्यू आप देख लिए होंगे वाल्व के बारे में कितने टाइप्स के हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स भी आप देख लिए होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।